वेलकम हीलिंग पल्स 777 फैमिली, आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है। तो जो आज की रीडिंग है, ये रीडिंग है कि आपके आसपास किस तरह की एनर्जीज है, किस तरह से वो आपको इफेक्ट करती है, किस तरह से आप उसको क्लीन कर सकते हैं, हील कर सकते हैं, या फिर उसका क्या असर आपके ऊपर होता है। कोई फॉरेन एनर्जीज भी हो सकती हैं, यानी कि कोई अदर एनर्जीज हो सकती हैं, या फिर आपकी खुद की एनर्जीज हो सकती है। ये रीडिंग रहेगी इसी बारे में। पहली बार जुड़े हैं, आपका बहुत बहुत स्वागत है। फिर से वापस आए हैं तो भी आपका बहुत सारा वेलकम है, आप सभी का स्वागत है। और अगर आप लोग इंट्रो मिस करके सीधा पिका कार्ड रीडिंग देखने चले जाते हैं और इंट्रो और पिका कार्ड रीडिंग के बीच में टाइम का कुछ गैप होता है, तो आपसे रिक्वेस्ट है कि प्लीज इंट्रो को जरूर सुना करिए, उसमें कोई ना कोई इन्फॉर्मेशन होती है, नहीं तो फिर आप क्लूलेस हो जाएंगे, आपको पता ही नहीं होगा कि कहाँ पे कौन सी इन्फॉर्मेशन दी गई है। आपसे रिक्वेस्ट है इंट्रो को जरूर सुना करिए, क्योंकि अगर इंट्रो में कोई बात बताई जा रही है तो वो आपके लिए सुननी इम्पोर्टेंट हो सकती है, अगर आप इस परिवार का हिस्सा हैं या फिर आप इसमें नहीं जुड़ रहे हैं तो। और साथ ही साथ एक इन्फॉर्मेशन थी जो कल के वीडियो में भी मैंने आपको दी है कि प्राइवेट रीडिंग के लिए या पर्सनल रीडिंग्स के लिए अब मैं अवेलेबल नहीं हूँ। मैंने गूगल का फॉर्म हटा लिया है, लेकिन फिर भी जो लोग मुझसे पहले से जुड़े हुए हैं या फिर जो लोग मेरे इंस्टाग्राम के अकाउंट में मुझसे जुड़े हुए हैं, अगर आप लोग मुझसे रीडिंग करवाना चाहते हैं तो आप लोगों के लिए मैं उपलब्ध हूँ, लेकिन उन लोगों के लिए ही जो इंस्टाग्राम पे मुझे फॉलो कर रहे हैं या फिर करेंगे। ऐसा नहीं है कि रैंडमली आप मुझे किसी भी दिन अप्रोच करेंगे या फिर फॉलो करेंगे या मैसेज करेंगे और एकदम से मैं आपकी रीडिंग कर दूंगी। आप समझ सकते हैं, जब कोई पर्सनल रीडिंग की जाती है तो डिटेल्स जो है शेयर की जाती है, तो मैं ऐसे रैंडमली किसी के साथ भी अपनी डिटेल्स शेयर नहीं कर सकती, इसलिए जो पर्सनल रीडिंग का ऑप्शन है मैंने यहाँ से हटा लिया है। तो अगर आप मुझसे जुड़े रहना चाहते हैं या आपको लगता है कि भविष्य में आप कभी रीडिंग करवाना चाहेंगे, तो आप बेशक इंस्टाग्राम के अकाउंट के साथ जुड़ सकते हैं, उसको फॉलो कर सकते हैं, क्योंकि वही एक तरीका है आपका मेरे साथ कॉन्टेक्ट बनाने का। इसके अलावा मैं किसी भी अदर प्लेटफॉर्म पे नहीं हूँ, इसलिए आप कोशिश कीजिएगा कि आप इसके थ्रू ही मुझसे जुड़े जब भी आपको मुझसे जुड़ने की जरूरत हो या जब भी आप मुझसे कुछ कहना सुनना चाहें तो। तो आज की रीडिंग को शुरू कर लेते हैं, आपके ऑप्शंस देख लेते हैं। तो आज की रीडिंग के लिए मैंने यहाँ पे कार्ड्स नहीं रखे हैं, यहाँ पे है क्रिस्टल। ये ब्राउन कलर के एंजल है, आप इनको देख सकते हैं। यहाँ पे ये अमेथिस्ट की क्रिस्टल बॉल है और यहाँ पर ये है ब्लैक टॉर्मलिन का पेंडेंट। तो आप इन तीनों में से कोई सा भी एक ऑप्शन चूज कर सकते हैं, एक से ज्यादा ऑप्शन चूज कर सकते हैं, क्योंकि एनर्जी की बात है तो मैंने सोचा क्रिस्टल का ही यूज किया जाए ऑप्शंस के लिए। तो आप वीडियो पॉज करके अपने लिए एक या एक से ज्यादा ऑप्शन चुन लीजिएगा, या फिर आप गाइडेंस के लिए पूरा वीडियो भी देख सकते हैं। तो ये देर ना करते हुए स्टार्ट कर लेते हैं आज की रीडिंग को ऑप्शन वन के साथ में। वेलकम ऑप्शन वन, आपका बहुत बहुत स्वागत है आपकी रीडिंग में। तो आपने चुने हैं यहाँ पे ब्राउन कलर के एंजल को, एंजल क्रिस्टल को। तो देखते हैं कि आपके लिए यहाँ पे किस तरह की एनर्जीज हैं। तो आपके लिए जो कार्ड एक मैंने लिया था वो कार्ड है माँ सरस्वती का। ये कार्ड आपकी क्रिएटिविटी की बात करता है, आपकी एनर्जीज की हाई होने की बात करता है, लेकिन साथ ही साथ आपकी क्रिएटिविटी के कामों को आगे बढ़ाने के लिए भी कहता है। तो पहले कुछ अदर कार्ड्स ले लेते हैं, फिर देखते हैं कि आपके लिए आपकी जो एनर्जीज हैं वो किस तरह की हैं या किस दिशा में जा रही हैं। तो यहाँ पर ऑप्शन वन की एनर्जीज किस तरह की हैं देख लेते हैं। तो देखते हैं कि यहाँ पे ऑप्शन वन की एनर्जीज किस तरह की है। आपके लिए कार्ड है यहाँ पे सोलर प्लेक्सस चक्र का, बहुत ही खूबसूरत। तो ऑप्शन वन की एनर्जीज यहाँ पे किस तरह की है। आपके लिए कार्ड है यहाँ पे कट योर कॉर्ड्स का, ऑप्शन वन की एनर्जीज किस तरह की है यहाँ पे। आपके लिए कार्ड है यहाँ पे हील अवे एडिक्शंस का, ओके ये कार्ड अपने आप ही आ गया है, बहुत ही खूबसूरत कार्ड आया है। माँ सरस्वती की एनर्जीज के साथ टोटली अलाइन कर रहा है ये कार्ड। यहाँ पर ऑप्शन वन की एनर्जीज किस तरह की है, मीडियमशिप का यहाँ पे कार्ड है, ऑप्शन वन की एनर्जीज किस तरह की है, शील योरसेल्फ का कार्ड है, ओके ओके। बॉटम ऑफ द डेक है आपके लिए अर्थ एंजल का कार्ड। यू आर अ लाइट वर्कर हु हैज कम टू अर्थ टू टीच अबाउट लव। तो आप दुनिया में यहाँ प्यार का पाठ पढ़ाने के लिए आए हैं, ये बात आपसे कही जा रही है। तो माँ सरस्वती का कार्ड चुना है आपने यहाँ पे, और आपके लिए सोलर प्लेक्सस चक्र का कार्ड आया है। तो माँ सरस्वती का कार्ड आपसे कहता है कि अपने अंदर की क्रिएटिविटी या कला को निखारने की बात है आपके अंदर। आप उन चीजों को कर सकते हैं जहाँ पे कलात्मक चीजें होती हैं, जहाँ पे आर्ट होता है, क्राफ्ट होता है, जहाँ पे क्रिएटिविटी होती है, जहाँ पे नृत्य होता है, जहाँ पे म्यूजिक होता है, यानी कि जहाँ पे किसी चीज की संरचना की जाती है, किसी चीज को बनाया जाता है। ये आपके उस तरह की एनर्जीज हैं जहाँ पे आप कुछ क्रिएट करते हैं या जहाँ से आप कुछ क्रिएट करते हैं।
सोलर प्लेक्सस चक्र का कार्ड आपसे कहता है इट इज सेफ फॉर यू टू बी पावरफुल एंड टेक चार्ज ऑफ योर लाइफ इन पॉजिटिव वेज। लेकिन साथ ही साथ आपके आपके लिए यहाँ पे कार्ड है अर्थ एंजल का, तो आप यहाँ पे कोई हीलर हो सकते हैं, कोई मीडियम हो सकते हैं, क्योंकि मीडियमशिप का कार्ड भी यहाँ पे अपियर है। और साथ ही साथ जैसे कि मैंने कहा, सिंगिंग और डांसिंग, कला, म्यूजिक, कुछ भी ऐसा जो कि क्रिएटिविटी को उभारता है, आपके अंदर कला को निखारता है, तो सिंगिंग और डांसिंग का यहाँ पर आपके अंदर पैशन हो सकता है, या फिर आपको अच्छा लगता है खुश रहना और आप खुश रहने की कोशिश करते हैं। आप एनर्जीज के लिए ओपन है डेफिनेटली, क्योंकि यहाँ पे अर्थ एंजल का कार्ड भी आपके लिए बॉटम ऑफ द डेक है और यहाँ पर मीडियमशिप का कार्ड भी आपके लिए है। तो कहीं ना कहीं आपकी एनर्जीज कुछ इस तरह की हैं कि आप ना एनर्जीज के लिए ओपन है, यानी कि आपका जो पोर्टल है बहुत ज्यादा ओपन है और आप चीजों को इन्वाइट कर लेते हैं, यानी कि आपके आसपास जो भी एनर्जीज हैं आप कुछ ना कुछ ऐसा करते हैं जो कि एक इन्वाइटिंग एनर्जीज की बात करता है। आप या तो कोई नई नई चीजों को ट्राई करते रहते हैं, या फिर आप कुछ ऐसा करते हैं, कोई नया रिचुअल हुआ, कोई नया स्टाइल हुआ, या फिर आप चीजों को पढ़कर, उनको देखकर, सुनकर उनसे बहुत ज्यादा अटैच हो जाते हैं, और या फिर आपको चीजों को बहुत ज्यादा एक्सप्लोर करने की आदत है। तो कुछ ना कुछ ऐसा है यहाँ पे आपके लिए जो कि आपके एनर्जी पोर्टल को ओपन करता है और आपके आसपास की एनर्जीज को इफेक्ट करता है। तो आपकी जो खुद की एनर्जीज हैं उसके अंदर ये जरूरी है कि आप चीजों में, जैसे एक वो खोजी वाला नेचर होता है ना, वो थोड़ा सा आपको यहाँ पे कम करना चाहिए। यानी कि आपको जिज्ञासु तो होना चाहिए, आपके लिए सेफ है पावरफुल होना, लेकिन उससे पहले आपको कुछ ऐसी चीजों से कॉर्ड कट करने की जरूरत है जो कि आपको नेगेटिविटी में खींचती हो। मीडियमशिप का कार्ड यहाँ पे अपीयर है, तो डेफिनेटली आपने कुछ ऐसी अदर एनर्जीज को, यानी कि बाहर की कुछ एनर्जीज को आपने अट्रैक्ट कर रखा है अपनी लाइफ में, जिनको आपकी लाइफ में नहीं होना चाहिए। तो कभी कभी आपके कुछ ऐसे इमोशंस भी होते होंगे जो आपके खुद के नहीं होते होंगे, लेकिन फिर भी आप उनको महसूस करते हैं, या फिर आप उनके अंदर कहीं ना कहीं खो जाते हैं। वो एनर्जीज भी आपके किसी काम की नहीं है, क्योंकि वो आपकी नहीं है, आप बाहर की एनर्जी से इन्फ्लुएंस्ड हो रहे हैं। हो सकता है आपको, जैसे कहते हैं कि आंखों के कोने से आपको कुछ ना कुछ दिखाई देता हो, आपको कुछ महसूस होता हो, या आप चौंक जाते हो, किसी की प्रेजेंस महसूस होती हो, ऐसा भी यहाँ पे कुछ ना कुछ दिखाई दे रहा है। हील अवे एडिक्शन का यहाँ पर आपके लिए मैसेज है, इट्स टाइम टू लेट गो ऑफ बिहेवियर्स दैट आर ब्लॉकिंग यू फ्रॉम योर हार्ट डिजायर, आस्क आर्कएंजल राफेल टू हेल्प विद दिस हीलिंग। यहाँ पर आपके लिए मैसेज है, आस्क आर्कएंजल माइकल टू क्लियर एनी ओल्ड अटैचमेंट्स टू फियर दैट स्टेम फ्रॉम पास्ट रिलेशनशिप्स फ्रीइंग यू फ्रॉम डिस्ट्रक्टिव पैटर्न्स। तो आपके लिए पावरफुल होना सेफ है, आपके लिए चीजों को करना सेफ है, लेकिन कहाँ पर आप एनर्जी पोर्टल्स को ओपन करते हैं, या कहाँ पर आप चीजों में ज्यादा सर्च करते हैं, उसमें खो जाते हैं, इन चीजों को देखना आपके लिए बहुत ही ज्यादा जरूरी है। साथ ही साथ कुछ ऐसी बातें हैं जो कि आपके लिए एडिक्शन का कारण बनती हैं। ये कार्ड क्लियरली इस एनर्जी को इंडिकेट कर रहा है कि अगर आप चीजों को लेकर बहुत ही ज्यादा लापरवाह हैं, या फिर आप एनर्जी वाली चीजों को बहुत ही रैंडमली हैंडल करते हैं, बहुत ही ज्यादा ओपन है, यानी कि आपने बाउंड्रीज अपनी बना ही नहीं रखी हैं, इसलिए उसमें कहीं ना कहीं आपको एनर्जी का इफेक्ट होता रहता है। तो देखिए, ये बातें उन लोगों के लिए हैं जिनके ऊपर इस चीज का असर होता है या उनको एनर्जीज दिखाई देती हैं। अगर आप इस चीज को नहीं मानते हैं तो आप इस बात को छोड़ सकते हैं। और जनरल रीडिंग है, जो जो बातें रेजोनेट हो उनको ले लीजिएगा, जो चीजें ना हो उनको जाने दीजिएगा। हर बात आपके साथ रेजोनेट नहीं कर सकती क्योंकि ये पर्सनल रीडिंग नहीं है, लेकिन फिर भी मेरी कोशिश यही है कि आपको ज्यादा से ज्यादा इन्फॉर्मेशन दे सकूं। तो यहाँ पर आपके लिए ये भी जरूरी है कि आप अपने आप को बहुत ही ज्यादा प्योरीफाई रखें। अर्थ की एनर्जीज आपके लिए बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट है। खुद को खुश रखना आपके लिए इंपॉर्टेंट है। नंगे पैर चलना आपके लिए इंपॉर्टेंट है। नंगे पैर घास पे ही चला जाता है, यानी कि जब आप नंगे पैर घास पे चलते हैं तो उसका आपको फायदा बहुत मिलता है। तो अगर आपकी हेल्थ को सूट करता है, आपके माहौल को सूट करता है, तो कभी कभी घास पे चलना आपके लिए अच्छा है। जितना ज्यादा आप ग्राउंडेड रहेंगे लाइफ में, उतना ही ज्यादा आपकी एनर्जी क्लीन रहेंगी, प्यूरिफाई रहेंगी, और आप आगे की तरफ बढ़ते जाएंगे, यानी कि आप ग्रोथ करेंगे। और जितना ज्यादा आप ग्राउंडिंग एनर्जीज के साथ में कट के रहेंगे, उतना ही ज्यादा आपकी जो एनर्जीज हैं वो तितर बितर होती रहेंगी। आपको किसी भी काम को करने में बहुत शक्ति लगानी होती होगी, यानी कि कुछ लोग जो जिन कामों को बहुत आराम से कर लेते हैं, उन कामों को करने में आपको बहुत जोर यहाँ पे पड़ता होगा, या आपको बहुत जोर लगाना पड़ता होगा, क्योंकि जो आपकी एनर्जीज हैं वो लगातार कहीं ना कहीं ड्रेन रहती हैं। और यहाँ पर आपका सोलर प्लेक्सस चक्र का कार्ड आपसे कहता है कि इट इज सेफ फॉर यू टू बी पावरफुल एंड टेक चार्ज ऑफ योर लाइफ इन पॉजिटिव वेज। तो यहाँ पे पॉजिटिव वेज का मैसेज है, यहाँ पे हील अवे एडिक्शन का मैसेज है। तो कौन सी ऐसी बात है जिसको आप यहाँ पर सही तरीके से नहीं चैनलाइज करते हैं, या उसको नहीं देखते हैं, अपनी एनर्जीज को कहाँ पर आप ड्रेन करते हैं? देखिए, जब हम बहुत सारा स्क्रीन टाइम निकालते हैं, या फिर हम बहुत सारे टाइम पीरियड में बैठे बैठे चीजों को निकाल देते हैं, हम लाइफ में कुछ खेलते नहीं हैं, हम
एक्सरसाइज नहीं करते हैं, हम पॉजिटिव थिंकिंग नहीं रखते हैं, तो बहुत सारी चीजें ना हमसे अटैच हो जाती हैं और हमारे वातावरण में भी उन चीजों का प्रभाव होता है। तो आपकी एनर्जीज में कुछ ना कुछ ऐसा है जिसमें आपके ऊपर अदर एनर्जीज का प्रभाव जाता है। मैं ये नहीं कह रही हूँ कि आपके साथ कोई भूत प्रेत है, कोई ऐसी एनर्जीज है जो कि आपको हार्म कर रही है, लेकिन ये चीजें अटैच हो जाती हैं आपकी लाइफ में, आपसे कनेक्ट हो जाती हैं। तो उसके लिए जरूरी है कि आप एक्टिव रहें। आपके एक्टिव रहने से, आपकी योगा एक्सरसाइज करने से आपका जो ऑरा है वो क्लीन रहता है, एक्टिव रहता है और साफ रहता है। जब आपका ऑरा स्ट्रांग रहता है तो फिर आपको परेशानी नहीं होती, आपको दिक्कत नहीं होती है। तो आपको कोशिश यही करनी चाहिए कि अगर आप बहुत ज्यादा बैठ के समय निकाल देते हैं, या फिर आप अपने खाने पीने का ध्यान नहीं रखते हैं, या फिर आप ऐसी चीजों में इन्वेस्ट करते हैं, अपने टाइम को, मनी को, अपनी हेल्थ को, जो कि आपके लिए हेल्दी नहीं है, वहां से आपको बाहर निकलने की जरूरत है। आपके लिए यहाँ पे जो मीडियमशिप का कार्ड है, ये आपसे कहता है कि यू हैव द नेचुरल एबिलिटी टू कनेक्ट विद डिपार्टेड लव्ड वंस। तो अपने लोगों के साथ में, यानी कि जो लोग जा चुके हैं, किसी के भी हो, उनके साथ आप कनेक्ट हो सकते हैं, एक अच्छे मीडियम हो सकते हैं। लेकिन पहले खुद आप ये देखिए कि कौन सी पुरानी बातों में आप उलझे हुए हैं, पुरानी नेगेटिव एनर्जीज के अंदर आप उलझे हुए हैं। उनसे बाहर निकल कर ही आप अपनी एनर्जीज को क्लीन भी कर सकते हैं, हील भी कर सकते हैं और आगे भी बढ़ सकते हैं। यहाँ पर भी आपके लिए मैसेज है शील्ड योर सेल्फ का, प्रोटेक्ट योर सेल्फ फ्रॉम हार्श और फियर बेस्ड एनर्जीज बाय इनविजिंग अ कोकून ऑफ हीलिंग लाइट सराउंडिंग यू। और यहाँ पर भी आपसे कहा गया है कि किसी भी ओल्ड अटैचमेंट से, किसी फियर वाली एनर्जी से, डिस्ट्रक्टिव पैटर्न से आपको बाहर निकलने की जरूरत है। तो आपकी लाइफ में आप ऐसा क्या कर रहे हैं जो कि आपके लिए डिस्ट्रक्टिव हो सकता है? क्योंकि यहाँ पर जो आपके लिए कार्ड है, ये कार्ड है अर्थ एंजल का, और इसके नीचे ही जो कार्ड है, ये कार्ड है इमोशनल सेंसिटिविटी का। ऑनर एंड रिस्पेक्ट योर डीप सेंसिटिविटी एज इट इज ए गिफ्ट टू अस ऑल। तो आप एक अर्थ एंजल हैं, या आप हीलर हैं, या लाइट वर्कर हैं, या आप नहीं भी हैं, आप एक नॉर्मल इंसान हैं, तो भी आप शायद इमोशनली बहुत ज्यादा सेंसिटिव हैं और हर एक की एनर्जीज को बहुत जल्दी पकड़ लेते हैं, उसको कैच कर लेते हैं। आपको ये ध्यान रखना चाहिए कि आपकी जो एनर्जीज है ना, बहुत ही ज्यादा प्रीशियस हैं। आपके आसपास जो भी एनर्जीज हैं वो आपको हिट करती हैं और आपके अंदर एक फियर क्रिएट करती हैं, जबकि आप जिस जगह पर अपने आप को, अगर अपने आप को आप प्रोटेक्ट करके रखेंगे तो आप चीजों को क्रिएट करेंगे। क्योंकि यहाँ पे माँ सरस्वती का कार्ड है आपके लिए, आप चीजों को क्रिएट करेंगे तो कुछ ना कुछ आपके लिए अच्छा होगा। लेकिन जब आप फियर बेस्ड एनर्जीज के अंदर रहेंगे, जब आप किसी एडिक्शन के अंदर रहेंगे, जब आप अपनी एनर्जीज को प्रोटेक्ट करके नहीं रखेंगे, तो फिर कहीं ना कहीं आपके लिए प्रॉब्लम होगी और आप फिर वहां पे डरेंगे, या फिर आप अपनी जो एनर्जीज हैं उनको खुल के यूज नहीं कर पाएंगे या नहीं करना चाहेंगे। आप में से कुछ लोग हो सकता है स्पिरिट्स वगैरह देखते हो, या बचपन से आपको ऐसी चीजें दिखाई देती हों, ऐसा भी हो सकता है। कुछ लोगों ने ये टैलेंट अपने अंदर डेवलप किया है, जैसे कुछ लोगों ने अपने ऊपर ये काम किया है, लेकिन जो मीडियमशिप है ये आप डेवलप नहीं कर सकते। इसको डेवलप करने के लिए आपको बहुत मेहनत करनी पड़ती है। मीडियमशिप अक्सर आपको बाई बर्थ मिलती है। बाई बर्थ से मेरा मतलब सिर्फ एक जन्म का नहीं है, ये पिछले जन्मों से आपका चला आ रहा होता है। तो जैसे कि हर साइकिक मीडियम नहीं हो सकता है, मीडियम होने के लिए आपको एनर्जीज को चैनलाइज करना पड़ता है, और कभी कभी आपकी बॉडी में भी वो एनर्जीज आ जाती हैं। उसको कैसे रोकना है, कैसे उसको संभालना है, या फिर उसकी चीजों में मैनिपुलेट नहीं होना है, ये आपको आना चाहिए। इसी तरह से जो ब्लैक मैजिक की हीलिंग है वो हर कोई नहीं कर सकता। आप जिस भी एनर्जी के साथ डीलिंग कर रहे हैं वो किस तरह की है, जाएगी कि नहीं जाएगी, या फिर उसमें क्या प्रॉब्लम हुई है, उसकी जड़ तक जाना बहुत जरूरी होता है। यहाँ पर ओके दो कार्ड आए हैं आपके लिए। द सोर्स का कार्ड है। द सोर्स का कार्ड आपके लिए ये उस एनर्जी की बात करता है जहां पर आपके अंदर ही है वो सारी चीजें जो कि आपके अंदर से ही उत्पन्न होती हैं। आपके अंदर क्या है ऐसा जो आपके अंदर से ही उत्पन्न होता है? आपकी शक्ति, आपकी ऊर्जा, आपका जो मन मस्तिष्क में चलने वाले विचार है, ये आपके अंदर से ही उत्पन्न होता है, द सोर्स। और इसी सोर्स से आपको जुड़ने की जरूरत है। ये सोर्स आपका खुद से खुद का जुड़ना भी है और आपका ईश्वर से जुड़ना भी है। लेजीनेस का कार्ड आ गया है। तो यहाँ पर जैसे कि मैंने आपसे कहा कि आप बैठे रहते हैं, तो आप बैठे ही हुए हैं। तो अगर आप बहुत बैठे रहते हैं, अगर आप आराम तलबी में रहते हैं, या चीजों को आप नकार देते हैं, या चीजों को बहुत हल्के में लेते हैं, तो आपको नहीं लेना चाहिए स्पेसिफिकली, अगर आप में 1% भी मीडियमशिप क्वालिटी है तो। यकीन मानिए, अगर आप में मीडियमशिप क्वालिटी है तो आपको अपनी एनर्जीज को हल्के में नहीं लेना चाहिए। और हल्के में इसलिए नहीं लेना चाहिए क्योंकि जब आप मीडियम होते हैं ना, तो जो अदर एनर्जी पोर्टल्स होते हैं वो आपके लिए ओपन होते हैं और आप वहां से किसी भी तरह की एनर्जीज को इनवाइट कर सकते हैं। तो इसलिए अपनी एनर्जीज को प्रोटेक्ट करना बहुत ज्यादा जरूरी होता है। और आप यही समझते रहते हैं कि आपके साथ में जीवन में क्यों बुरा हो रहा है, क्यों अच्छा नहीं हो रहा है, क्यों आपके साथ गलत हो रहा है, क्यों आपके रिश्तों में परेशानी हो रही है, या फिर आपकी कोई अगर आदत बदल गई है या आदत लग गई है,
तो वो आपको क्यों लग गई है। स्पेसिफिकली अगर आपके साथ एनर्जी का इशू होता है, इसमें सबसे पहले जो प्रॉब्लम होती है वो यही होती है कि आप आलसी हो जाते हैं और चीजों में आप छोड़ देते हैं, उन चीजों को आप करते नहीं हैं, उन चीजों को कल के लिए आप टाल देते हैं। तो यहाँ पर आपके लिए ये जरूरी है कि आप अपनी एनर्जीज को क्लेम करें, थोड़ा सा एक्सरसाइज करें और जो भी अदर एनर्जीज हैं वो आप अपनी लाइफ से जाने दें। कॉन्शियसनेस का कार्ड है और ये कार्ड कहता है कि अपनी ही चेतना के स्तर को बढ़ाने की जरूरत है। आपको सोर्स से जुड़ने की जरूरत है, अपनी चेतना के स्तर को बढ़ाने की जरूरत है और अपनी एनर्जीज में एक अलाइनमेंट लाने की जरूरत है। करेज का यहाँ पर मैसेज है, ये कार्ड कहता है कि आपको इसके लिए विल पावर लगानी पड़ेगी, स्ट्रेंथ लगानी पड़ेगी। तो ऐसा नहीं है कि आपके साथ कोई एनर्जी लगी हुई है या फिर वो आपको इफेक्ट करती है, लेकिन आपके साथ नेगेटिव कार्ड्स बहुत ज्यादा जुड़ी हुई है और आप अगर मीडियमशिप के अंदर है तो डेफिनेटली यहाँ पर आपको इसी चीज से अपने आप को बचाने की जरूरत रहती ही होगी या रहेगी। और साथ ही साथ अगर आप कुछ क्रिएट करना चाहते हैं या लाइफ में आप कुछ क्रिएट करके आगे बढ़ना चाहते हैं तो आपको ये देखना होगा कि आप अपनी एनर्जीज को, अपनी सोच को, अपने समय को, अपने अपनी सेहत को आप कहाँ इन्वेस्ट कर रहे हैं। अगर आप बहुत ज्यादा बैठे रहते हैं तो यकीन मानिए आपके लिए बैठे रहना बहुत ही गलत बात है, आपको थोड़ा सा एक्टिव होना चाहिए। तो यहाँ पर एक कार्ड और लेंगे आपके लिए गाइडेंस के लिए। थोड़ा सा भी एक्टिव, अगर थोड़ी सी भी एक्टिवनेस आप अपने अंदर बढ़ा लेंगे तो अपने आप ही आपके लिए चीजें ठीक हो जाएंगी। यानी कि ये कोई ऐसा इशू नहीं है जिसके लिए आप घबराने लग जाएं। विजुलाइज सक्सेस, तो अपने आप को सक्सेसफुल होते हुए देखिए। यहाँ पे लिखा भी है सी योरसेल्फ डूइंग वेल इन दिस सिचुएशन एंड हैव फेथ इन अ पॉजिटिव आउटकम। तो अपनी सिचुएशन में खुद को बेहतर करते हुए देखिए और यकीन मानिए कि आपके लिए जो रिजल्ट है वो बेहतर ही आएंगे। यानी कि यहाँ पे ना आपको देखिए, यहाँ पे भी कार्ड है आपका, यू आर अ पावरफुल लाइट वर्कर, इट इज सेफ फॉर यू टू बी पावरफुल, योर स्पिरिचुअल पावर ब्रिंग्स Great blessings in loving service to the divine। तो ये अंदर से आएगी एनर्जी, ये सोर्स आपके अंदर ही है और उस सोर्स से आपको कनेक्ट होना है, इस एनर्जी को आपको अपने अंदर क्रिएट करना है। देखिए आप एक अगर नॉर्मल इंसान है या फिर आप एक स्पिरिचुअल पर्सन है, हर जना सोर्स से कनेक्ट होता है, हर जने के पास में सोर्स से ही एनर्जी आती है। यानी कि कोई ये नहीं है कि मीडियम है, साइकिक है, टैरो रीडर है तो बहुत महान इंसान कोई हो गया है, कोई स्पिरिचुअल है तो नहीं, नहीं, आप भी वैसे ही हैं। आपको भी अपने ऊपर ये काम करने होते हैं। तो आप अपनी उन कॉर्ड्स को कट कीजिए जहां से आपको फियर मिलता है, आपके पुराने अटैचमेंट्स हैं, जहां पर आपको लगता है कि कोई पैटर्न आपकी लाइफ में आपको हील नहीं होने दे रहा या आगे नहीं बढ़ने दे रहा है, और अपने आप को प्रोटेक्ट कीजिए। आर्चेंजल माइकल और आर्चेंजल राफेल दोनों ही आपकी रीडिंग में अपीयर है और आपसे चाहते हैं कि आप उनके साथ में कनेक्ट हो। मां सरस्वती का आशीर्वाद भी आपके साथ में हो सकता है। या अगर आप एक स्टूडेंट हैं तो आपका ध्यान बहुत भटकता है, आपको अपनी पढ़ाई की तरफ ध्यान देना चाहिए और किसी भी ऐसे एडिक्शन से आपको बच के रहना चाहिए जो आपके अंदर की एनर्जीज को ड्रेन करता हो। ये स्पेसिफिकली उन लोगों के लिए बात है जो कि या तो जो पढ़ाई करते हैं या फिर जो अपने कैरियर को बनाने के लिए कुछ ना कुछ ट्राई कर रहे हैं। यहाँ पे आपका ध्यान भटक रहा है, अपने ध्यान को वापस लाइए, अपने आप को सक्सेसफुल होते हुए देखिए, तभी आप लाइफ में कुछ अचीव कर पाएंगे। और अगर आप ये रीडिंग किसी के साथ शेयर करना चाहें तो प्लीज जरूर कीजिएगा। तो होप कि इससे आपको कोई ना कोई मदद मिले, आपको गाइडेंस मिले और आप अपनी एनर्जीज को प्रोटेक्ट कर पाएं। आपका इस समय बहुत बहुत शुभ हो। वीडियो पसंद आया हो तो लाइक जरूर कीजिएगा, कमेंट बॉक्स में जरूर बताइएगा ये रीडिंग आपके लिए कैसी रही। थैंक यू सो वेरी मच, गॉड ब्लेस यू ऑल। वेलकम ऑप्शन टू, आपका बहुत बहुत स्वागत है आपकी रीडिंग में। तो देखते हैं कि आपके लिए किस तरह की एनर्जीज आती हैं या किस तरह के मैसेजेस हैं। यहाँ पर जो ये कार्ड है ये मैंने योगिक पाथ ओरेकल डेक से लिया है। आपके लिए कार्ड आया है आत्मन का। तो आपकी थर्ड आई बहुत ज्यादा एक्टिवेट यहाँ पर हो सकती है या आप उसको करने की कोशिश कर रहे हैं। जो भी लाइफ का अदर साइड है उसको देखने की आप कोशिश कर रहे हैं, क्योंकि पेन तो शायद आपकी लाइफ में बहुत ऑलरेडी रह चुका है। कैंसर के लिए डिलीट का कार्ड है, पर ये लेंगे नहीं, पहले बार कार्ड ले लेते हैं फिर देखते हैं कि आपकी जो एनर्जीज हैं वो किस तरह की हैं यहाँ पे। ओके, तो पहला कार्ड खुद ही आ गया है बी विलिंग टू फॉरगिव का। ओके, तो यहाँ पे ऑप्शन टू की एनर्जीज किस तरह की हैं, उनकी एनर्जीज किस तरह की हैं, ऑप्शन टू की एनर्जीज किस तरह की। पावर एनिमल का कार्ड है, बहुत ही खूबसूरत। तो ऑप्शन टू की एनर्जी किस तरह की है उनके आसपास में, ऑप्शन टू की एनर्जी किस तरह की है। आपके लिए कार्ड है ही लव एडिक्शंस का। ऑप्शन वन में भी ये कार्ड यहीं पर ही आया है। ऑप्शन टू की एनर्जी किस तरह की है यहाँ पे। शायद आप ना बहुत कुछ कहते कहते ना रुक जाते हैं, आप शायद खुल के अपनी बात ना कह नहीं पाते,
या फिर आप शायद किसी का दिल नहीं दुखाना चाहते इसलिए नहीं कहवाते, और अगर आप कह देते हैं तो फिर आपको नहीं कहनी चाहिए, यानी कि जिसके साथ जो बात रेजोनेट हो ले लीजिएगा। अगर ऐसा है कि आप किसी का दिल दुखाने के लिए कोई बात नहीं कहते हैं तो फिर वो आपके अंदर कहीं ना कहीं छुपती रहती है, आप शायद नहीं कहते हैं किसी से कोई बात, और यहाँ पर वही चीज़ आपके शायद दुख का कारण बनती है, आपकी तकलीफ का कारण बन जाती है। और अगर कह देते हैं तो थोड़ा सा आपको देखना चाहिए कैंसर क्रिएटिव रीड का यहाँ पर मैसेज है आपके लिए। बॉटम ऑफ द डेक कार्ड है लॉ ऑफ अट्रैक्शन का। ओके, तो आपके लिए जो पहला कार्ड है ये कार्ड है बी विलिंग टू फॉरगिव का। आस्क द एंजल्स टू क्लियर योर माइंड एंड बॉडी ऑफ पास्ट पेन इन एक्सचेंज फॉर पीसफुलनेस। ये कार्ड कहता है कि पुरानी बातों को बहुत सोचते हैं, पुरानी चीज़ों को लेकर बहुत ही ज़्यादा आपको अफसोस रहता है, बहुत लंबे समय तक आपके अंदर अफसोस रहता है, यानी कि आप बहुत जल्दी चीज़ों को जाने नहीं देते हैं। जो भी चीज़ें आपको हर्ट करती हैं वो आपको बहुत अंदर तक गहरे तक करती हैं और आपकी तकलीफ का कारण बनी रहती हैं, और यही चीज़ लगातार आपकी लाइफ में आपको हिट करती रहती है, आपको परेशान करती रहती है। तो लोगों को माफ आपको इसलिए ही करना चाहिए क्योंकि इसके नीचे ही कार्ड है अर्थ एंजल का, आप एक अर्थ एंजल हैं, इसलिए ये जरूरी है कि आप अपनी थॉट्स को, अपने कर्मास को, अपनी सोच को आप प्योरीफाई करते रहें। आपका जो ये साइड है यानी कि जो इन्फिनिट साइड है आपका, इस आपको इसको देखना चाहिए जहां पर आप ईश्वर से कनेक्टेड हैं, यूनिवर्स से, उस डिवाइन से कनेक्टेड हैं, और वहीं से उसी ऊर्जा को लेकर आप दुनिया में बांटते हैं। तो आपके लिए जरूरी है कि आप अपनी एनर्जीज को बहुत ही ज़्यादा क्लीन और अलाइन करके रखें क्योंकि यहाँ पर आपको बहुत सारे काम करने हैं। पुरानी चीज़ों को जब तक आप जाने नहीं देंगे, उनको छोड़ेंगे नहीं, तो फिर वो चीज़ें आपके लिए बेहतर की तरफ नहीं जा पाती हैं। आपके लिए यहाँ पे नेक्स्ट कार्ड है पावर एनिमल का। योर एनिमल स्पिरिट गाइड इज अ गार्जियन टू यू एंड इट्स हेल्पिंग यू विद दिस सिचुएशन। तो यहाँ पे आपके लिए कोई पेट जो है इंपॉर्टेंट हो सकता है, कोई एनिमल इंपॉर्टेंट हो सकता है, एनिमल स्पिरिट इंपॉर्टेंट हो सकती है, और यही चीज़ें आपको लगातार कहीं ना कहीं प्रेरित भी कर रही हैं। आप में से कुछ लोगों को शायद या तो बटरफ्लाइज दिखाई देती होंगी या फिर कोई ना कोई या तो बर्ड या फिर कोई एनिमल आपके साथ में लगातार कांटेक्ट में रहता होगा। बचपन से ही हो सकता है कि जो आपका आकर्षण है जानवरों के प्रति बहुत रहता हो, आपको उनसे बहुत प्यार हो, या उनसे की आप बहुत केयर करना चाहते हो, या आपको वो बहुत अच्छे लगते हो, यानी कि एक ऑलरेडी आप सेंसिटिव सोल हैं, इसलिए आपके मन में करुणा का भाव जरूर यहाँ पर दिखाई दे रहा है। आपके लिए नेक्स्ट कार्ड है हील अवे एडिक्शन का। इट्स टाइम टू लेट गो ऑफ बिहेवियर्स दैट आर ब्लॉकिंग यू फ्रॉम योर हार्ट डिजायर। आस्क आर्कएंजल राफेल टू हेल्प यू विद दिस हीलिंग। तो कौन सी ऐसी बात है जिसको जाने देने की जरूरत है? आपको अपनी एनर्जीज को इसलिए भी क्लीन होने देने की जरूरत है क्योंकि जब हम अपनी चीज़ों को या अपने अंदर पल रहे घावों को हील नहीं होने देते हैं, या फिर जब हम उन बातों को छोड़ते नहीं हैं जो पता है हमें कि हमारे लिए हार्मफुल हो सकती हैं, तो हम ना स्लो हो जाते हैं, हमारा प्रोसेस स्लो हो जाता है। तो कहीं ना लाइफ में जो भी आपको वुंड्स मिले हैं, जो भी आपको पेन मिले हैं, जो तकलीफें आपको हुई हैं, जो दर्द आपने झेले हैं, उसकी वजह से शायद आपका प्रोसेस बहुत स्लो हो गया है। आप हर चीज़ को शायद बहुत ज़्यादा गंभीरता से देखते हैं, उसको समझते हैं, उसको सुनते हैं, और फिर जाकर आप उसमें कोई ना कोई निष्कर्ष पे पहुंचते हैं, यानी कि ये एक ऐसा लंबा प्रोसेस हो गया है आपका जो कि आपको बहुत जल्दी कोई डिसीजन या तो लेने नहीं देता या फिर आपको जल्दी से किसी सिचुएशन में रिएक्ट करने नहीं देता। थोड़ी सस्पिशियस एनर्जी है यहाँ पे, यानी कि आपके अंदर जो संदेह होता है बहुत जल्दी उत्पन्न हो जाता है, या संदेह आप बहुत जल्दी लोगों पे करते हैं, आप जल्दी से किसी पे ट्रस्ट नहीं कर पाते हैं क्योंकि आपके अंदर ऑलरेडी बहुत सारे वुंड्स अभी भी मौजूद हैं, वो हील नहीं हुए हैं, और समय समय पर कहीं ना कहीं वो उभरते भी रहते हैं, या तो पुरानी बातों से, या पुरानी चीज़ों से, या पुरानी यादों से। कुछ ना कुछ ऐसा है जो कि आपको अपनी हायर लेवल पे लेके जाना है, लेकिन वो हो नहीं पाता है क्योंकि यहाँ पे आपके जो अंदर एक आग जली रहती है ना, आपके अंदर जो कुछ हर्ट वाली फीलिंग है ना, ये फीलिंग आपको हील नहीं होने देती है और आपको बार बार हर्ट करती रहती है। आपको यहाँ पे लगातार गाइड किया जाता है, आपको लगातार मोटिवेट किया जाता है। ऐसा नहीं है कि आपने बिल्कुल भी अपने पे काम नहीं किया है, आपने बहुत सारा काम किया है अपने पे। मुझे यहाँ पे जो एनर्जी समझ में आ रही है वो यही है क्योंकि आप विलिंग हैं, आप फंसे हुए तो जरूर हैं किसी ना किसी सिचुएशन के अंदर, लेकिन आप विलिंग भी हैं अपनी लाइफ में चेंज करने के लिए, उसमें एक बड़ा बदलाव लाने के लिए, और यहाँ पर आप उसमें प्रयास कर रहे हैं। फिर भी कुछ ना कुछ ऐसा होता है जिसको आप पूरी तरह से लेट को नहीं कर पाते हैं या लेट को नहीं करना चाहते हैं। कहीं ना कहीं किसी ना किसी बात पे, किसी ना किसी मोड़ पे आपकी वो चीजें आपके सामने उभर जाती हैं और उससे आपको कहीं ना कहीं तकलीफ होती है। आपके लिए जरूरी ये है कि आप अपनी सारी ऊर्जा को एकत्र करें और आप ये देखें, यानी कि आप अपनी सारी एनर्जीज को इकट्ठा करें और आप ये देखें कि किस तरह से आप उसको अपने लिए इस्तेमाल कर सकते हैं, अपने अच्छे के लिए। यानी कि आपके पास जो ऊर्जा है, या तो उसको आप वेस्ट कर सकते हैं पानी की तरह, या फिर आप उसको अपने अंदर इकट्ठा करके अपनी फायर, अपना पैशन बना सकते हैं और अपने आप को हील कर सकते हैं। तो ये आपके ऊपर पूरी तरह से डिपेंड करेगा कि आप पुरानी बातों को या कुछ पेन्स को आप रिलीज कर पाते हैं या नहीं कर पाते,
या फिर आप अपनी एनर्जीज को अपना अपने अंदर एक फायर का एक पैशन का आप जरिया बना पाते हैं कि नहीं बना पाते। आपके लिए यहाँ पे कार्ड है इमोशनल सेंसिटिविटी का, ऑनर एंड रिस्पेक्ट योर डीप सेंसिटिविटी एज इट इज ए गिफ्ट टू अस ऑल। यहाँ पे जो ये तीन कार्ड है, ये तीनों ही कार्ड जो है ऑप्शन वन में आए हैं। अगर आप उसको देखना चाह रहे थे तो आप उसको एक बार जरूर देख लीजिएगा। आपसे कहा गया है कि आपकी जो इमोशनल सेंसिटिविटी है वो आपके लिए आपका हथियार भी है और आपकी वीकनेस भी है। तो आप डेफिनेटली बहुत ज्यादा सेंसिटिव हैं और चीजों को बहुत गहराई से महसूस करते हैं या चीजों को लेकर बहुत ज्यादा और बहुत ज्यादा देर तक आप सोचते रहते हैं। तो ओवर थिंकिंग भी आप बहुत ज्यादा करते हुए मुझे यहाँ पे दिखाई दे रहे हैं। आपका दिमाग जो है बहुत ही एक स्ट्रेस लेवल पे आ जाता है एक टाइम पीरियड के बाद। उन चीजों को आपको अपने अंदर से रिलीज करने की जरूरत है। आपके और एक फील्ड के अंदर ये चीजें बहुत है कि आपको सेंसिटिव होने की वजह से या इमोशनल होने की वजह से ना आप शायद एक अकेलेपन वाली एनर्जीज में चले जाते हैं कि कुछ समझ नहीं आ रहा है तो थोड़े समय के लिए कुछ चीजों को अकेला छोड़ दो या कुछ चीजों को सुनना छोड़ दो या उन चीजों की तरफ से आंखें ही बंद कर लो तो फिर तकलीफ होनी बंद हो जाएगी। तो आंखें बंद करने से तकलीफें खत्म नहीं होती। ये कुछ ऐसा ही होता है कि बिल्ली को देखकर अगर कबूतर अपनी आंखें बंद कर ले या चिड़िया अपनी आंखें बंद कर ले तो बिल्ली तो आपको खा जाएगी, बिल्ली तो चिड़िया को खा जाएगी। तो बिल्ली तो नहीं अपनी आंखें बंद करती, अब चिड़िया को तो वहां से उड़ना है। तो आप वो चिड़िया हैं जिनको इस नेगेटिविटी रूपी बिल्ली के पास से उड़ना है। तो आपके लिए जरूरी है कि आप अपनी जो सेंसिटिविटी है उसको रिस्पेक्ट करें और अपनी एनर्जी फील्ड को इतना ज्यादा ओपन ना करें या फिर इतने ज्यादा आप लोगों की एनर्जीज को अपने अंदर ग्रैब ना करें जिससे कि आपको हर्ट हो। यानी कि अगर आप हर दूसरे इंसान की बातों से, ऑनलाइन होने वाली चीजों से, किसी ने कुछ कह दिया उससे अगर आप बहुत जल्दी इफेक्ट हो जाते हैं या फिर आपको हर्ट हो जाता है तो आप अपनी इमोशनल सेंसिटिविटी को यहाँ पर रिस्पेक्ट नहीं करते हैं। आप हर एक के लिए ओपन होने की वजह से आप हर एक से ही यहाँ पे हर्ट होते रहते हैं। तो आपको कोशिश यही करनी है कि आपकी जो सेंसिटिविटी है आप उसको थोड़ा सा क्लोज करें, उसको उसके चारों तरफ आप एक बाउंड्री बनाएं, एक सेफ बाउंड्री बनाएं ताकि आपको कोई भी बहुत जल्दी हर्ट ना कर पाए। क्योंकि यहाँ पे आपको आपके जो पावर एनिमल भी हैं कहीं ना कहीं आपको गाइड करते हैं इस चीज के लिए, या फिर आपको कहीं ना कहीं ये इंट्यूशन जरूर हो जाती होगी कि ये इंसान आपको हर्ट कर सकता है या इसकी अगली बात जो होगी वो आपको हर्ट करने के लिए हो सकती है। कुछ ना कुछ इंट्यूशंस यहाँ पर आपको आ जाती हैं और वही चीजें बाद में आपके लिए दर्द का कारण बनती हैं क्योंकि वो चीजें आपकी सही साबित हो जाती हैं। यहाँ पे आपके लिए कार्ड है कैंसर क्लियरिटी रीड का, यूज ओनली पॉजिटिव वर्ड्स एंड थॉट एज दे आर रैपिडली मैनिफेस्टिंग इनटू फॉर्म, आस्क द एंजल्स टू कैंसिल द इफेक्ट्स ऑफ पास्ट नेगेटिव थिंकिंग। तो आपके लिए क्या जरूरी है, आपके लिए जरूरी है कि आपके लिए बहुत ज्यादा जरूरी है कि आप ऐसे लोगों से, ऐसे माहौल से, ऐसी सिचुएशन से बच के रहें जो कि आपको पेन देती हैं या फिर आपको डिस्ट्रैक्ट करती हैं, आपको भटकाती हैं या फिर आपके माइंड को कहीं ना कहीं घुमा देती हैं। तो जो भी चीजें आपके दिमाग को घुमाएंगी वो चीजें आपके लिए अच्छी नहीं है, चाहे वो आपके दोस्त हो, चाहे वो कोई एडिक्शन हो, चाहे वो टीवी हो, चाहे वो फोन हो, चाहे वो आपका कोई थॉट पैटर्न हो। जो कुछ भी चीजें आपकी इमोशनल सेंसिटिविटी को हर्ट करेंगी वही चीजें आपके लिए आपके डाउन होने का कारण बनेंगी। कैंसर क्लियर डिलीट के कार्ड में यहाँ पे लिखा भी है कि यूज ओनली पॉजिटिव वर्ड्स एंड थॉट एज दे आर रैपिडली मैनिफेस्टिंग इनटू फॉर्म। तो कौन सी ऐसी बात है जो कि आप अपनी सेंसिटिविटी के कारण कहते रहते हैं? अगर आप ये कहते हैं कि लोगों ने आपके साथ बहुत बुरा किया तो लोग आपके साथ लगातार बुरा करते रहेंगे क्योंकि आप उसको प्रेजेंट टाइम में कह रहे हैं और आप उसी चीज को भविष्य में मैनिफेस्ट कर रहे हैं। अगर आप ये कहते हैं लोगों ने आपको बहुत धोखा दिया है तो आप उस एनर्जी से अगर बाहर नहीं निकलेंगे तो भविष्य में भी आप उसी तरह के लोगों को अट्रैक्ट करेंगे। और यहाँ पर आपके लिए कार्ड भी है लॉ ऑफ अट्रैक्शन का, रिलेशनशिप्स एंड एक्टिविटीज दैट यू वंस एंजॉयड आर नाउ चेंजिंग एज यू बिकम मोर सेंसिटिव एंड अवेयर ऑफ एनर्जीज। तो आप जो अपने आसपास की एनर्जीज के लिए और भी ज्यादा ओपन हो रहे हैं, और भी ज्यादा आपका एनर्जी फील्ड एक्टिव हो रहा है। अगर आप मेडिटेशन कर रहे हैं तो ये आपके साथ में होता जाएगा। जितना ज्यादा आप मेडिटेशन करते हैं उतना ही ज्यादा आपकी एनर्जीज जो है, आपकी इमोशनल सेंसिटिविटी जो है वो हाई होती चली जाती है और हर चीज आपको इफेक्ट करती है। जितना ज्यादा आप अपग्रेडेशन की तरफ जाते हैं एनर्जी लेवल पे उतना ही ज्यादा और उतना ही जरूरी आपको अपने आप को प्रोटेक्ट करना भी होता है। क्योंकि आप सिर्फ अपने घर की बात करें या फिर अपने मोहल्ले की बात करें, अपने गली शहर की बात करें या अपने देश की बात करें और थोड़ा सा उससे आगे बढ़ते हैं दुनिया की बात करें और उससे भी आगे अगर हम बढ़े तो यूनिवर्स की बात करें, तो बहुत सारी एनर्जीज ऐसी हैं जो कि आपके ऑरिक फील्ड को या फिर आपकी एनर्जीज को सक करने के लिए तैयार रहती हैं, आपकी एनर्जीज खींचने के लिए तैयार रहती हैं। जी हाँ, रहती हैं। अगर आप सिर्फ छोटे पैमाने पर ही सारी बातों को रखकर तोलते हैं या जीवन को तोलते हैं तो बहुत बड़ा जीवन है और इस
जीवन के अंदर बहुत बड़ी बड़ी बातें हैं, तो इसलिए जितना ज़्यादा आप अपनी एनर्जीज को हाई करते हैं उतना ही ज़्यादा आपको प्रोटेक्शन की नीड होती है। और आप अपने आप को तभी प्रोटेक्ट रख सकते हैं जब आप अपनी इमोशनल सेंसिटिविटी पे काबू रखते हैं, लोगों को माफ़ करते हैं और अपनी लाइफ से उनकी एनर्जीज को लेट गो कर देते हैं। क्यों करना जरूरी होता है? वो इसलिए होता है क्योंकि हमारी लाइफ के अंदर और हमारी आत्मा में अगर किसी और की एनर्जीज रहती हैं, किसी और के अटैचमेंट्स रहते हैं, तो हम अपनी शक्ति को पूरी तरह से नहीं पा सकते, हम अपनी पावर को क्लेम नहीं कर सकते। तो अगर आप चाहते हैं कि आप अपनी पावर को क्लेम करें, आपकी जो इमोशनल सेंसिटिविटी है आपके लिए आपकी कमजोरी ना बनके आपका हथियार बने, आपकी पावर बने, तो इसके लिए जरूरी है कि आप लोगों को माफ करके अपने एनर्जी फील्ड से उनको जाने दें। यहाँ पर आपके लिए बाय चांस मैं एक ही कार्ड ले रही थी, लेकिन इसके नीचे दूसरा कार्ड भी साथ में आ गया है, तो ये मैसेज आपके लिए सुनना और भी ज्यादा जरूरी है। Pay attention to your ideas as they are message of true divine guidance sent in answer to your prayers. तो जिस भी बात के लिए आप प्रेयर कर रहे हैं आपको आइडियाज मिल रहे हैं और लॉ ऑफ अट्रैक्शन के कारण अब आपकी लाइफ में वो लोग या चीजें बदलती जा रही हैं जो कि आपकी लाइफ में अब किसी काम की नहीं है। आप इस तरह के लोगों को अट्रैक्ट करेंगे जो कि आपको हेल्प करेंगे और इस तरह के लोगों को आप लेट गो करेंगे जो कि आपकी हेल्प नहीं करने वाले हैं। तो यहाँ पर अपनी उन सारी बातों को कैंसर क्लियर डिलीट कीजिए, अपने एडिक्शंस को कैंसर क्लियर डिलीट कीजिए, उन बातों को छोड़ दीजिए जो कि आपकी एनर्जीज को हार्म करते हैं, आपकी एनर्जीज को कहीं ना कहीं ड्रेन करते हैं। तो आपको जरूरत है यहाँ पे मेडिटेशन करने की, और अगर आप मेडिटेशन करते ही हैं तो अपने ऑरिक फील्ड को और भी ज़्यादा प्रोटेक्ट करने की, मजबूत बनाने की, क्योंकि कहीं ना कहीं आपको हीलिंग की नीड है। ओके, तो यहाँ पर तीन कार्ड लेने थे, तीन ही आ गए हैं, तो फिर और नहीं लेंगे। बॉटम ऑफ द डेक कार्ड है सौरव का। ये दुख, ये तकलीफ आपकी बढ़ती ही रहेगी अगर आप चीजों को लेकर सोचते रहेंगे। देखिए, ये जो सोचने वाली एनर्जी है ना, आपके सामने ही निकाल रही हूँ ना, अगर आपके साथ इस पाइल की कोई बात रेजोनेट नहीं करती है तो ये फिर आपके लिए नहीं होगा, ये किसी और के लिए होगा। या फिर हो सकता है कुछ बातें रेजोनेट करें, जनरल रीडिंग है। तो सौरव का कार्ड भी यहाँ पर बैठा हुआ है, ये पर्सन और दुख में है, तकलीफ में है और सोच रहा है। जो सोचने वाली एनर्जी है ना, ये आपकी बहुत ज्यादा है, क्योंकि आप बैठ के बहुत ज्यादा सोचते हैं और उस चीज से आपको परेशानी होती है। एग्जॉशन का कार्ड है यहाँ पर आपके लिए पहला, तो ये कार्ड कहता है कि थक चुके हैं अब आप। ये कार्ड भी नाइन का है, और यहाँ पर भी बॉटम ऑफ द डेक जो कार्ड है ये भी नाइन का है। तो चीजें खत्म होना चाहती हैं और उसको खत्म करने के लिए जरूरी है कि आप चीजों को अपने अंदर से जाने दें, क्योंकि थक गए हैं, आपके अंदर एक थकान आ गई है चीजों में। फिर आपने आंखें बंद कर ली हैं। जब आप में से कुछ लोग ऐसा हो सकता है कि आप चीजों से फाइट नहीं कर पा रहे हो, या फिर आपको एक थकान महसूस हो रही हो कि अब आप लाइफ से टायर्ड हो गए हैं, अब और आगे आप नहीं लड़ सकते हैं, अब चीजों में बदलाव नहीं हो सकता है। चीजों में बदलाव हो सकता है, यकीन मानिए चीजों में बदलाव संभव है, अगर आप अपने थॉट पैटर्न्स को चेंज कर लेते हैं तो, अगर आप अपने ऊपर काम कर लेते हैं तो। लोगों को माफ करिए, क्योंकि लोग डिजर्व नहीं करते हैं। जो लोग आपको हर्ट करते हैं वो लोग आपके ऑरिक फील्ड में रहना डिजर्व नहीं करते हैं, क्योंकि जो लोग आपसे प्यार करते हैं, आपकी रिस्पेक्ट करते हैं, आपको चाहते हैं, वो कभी आपकी आंख में ना तो आंसू देते हैं और ना ही वो कभी आपको हर्ट करते हैं। सिचुएशनल कोई ऐसी बात होती है जब आपके अपने लोग आपको हर्ट कर देते हैं, पर वो कुछ ऐसी चंद बातें होती हैं। लेकिन अगर कोई आपको इंटेंशनली हर्ट कर रहा है, ये जानते हुए भी कि आपको हर्ट होगा, और आपको कोई चीज वो चुभो रहा है, आपको कोई पिन पॉइंट किसी बात को लेकर कर रहा है, तो वो आपको इंटेंशनली दुख दे रहा है। तो उसके दुख को, चाहे वो आपका अपना है चाहे वो पराया है, आपको किस हद तक लेना है, कितना लेना है, कितना सोचना है, ये आपको जरूर देखना चाहिए, जो कि आप नहीं देखते हैं। अगर ये बात आपके साथ रेजोनेट होती है तो लोगों को माफ करिए, क्योंकि आप बहुत प्रीशियस हैं, आप यहाँ पे बहुत बड़े बड़े काम करने आए हैं और आप अपने टाइम को वेस्ट कर रहे हैं। एग्जॉशन का कार्ड यहाँ पे कहता है चीजों को छोड़िए, क्योंकि ये चीजें आपके लिए बर्डन बन रही हैं और आपको आगे बढ़ने नहीं दे रही। ट्रेडिशनल टैरो में ये नाइन ऑफ वांड्स का कार्ड है, जहाँ पर आप चीजों के अंदर ही स्टक हैं और वहां से आगे बढ़ नहीं पाते। आपकी जो बाउंड्रीज है वो यहाँ पे डेफिनेटली वीक है, यानी कि कमजोर है, और आप चीजों में शायद बहुत जल्दी डिसीजन नहीं ले पाते हैं। यहाँ पे ये कार्ड है टर्निंग इन का, तो अपने अंदर की आवाज को सुनना जरूरी है, बाहर के शोर को सुनना जरूरी नहीं है। तो चाहे वो आपके लिए आपके एंसेस्टर्स हों, आपके स्पिरिट गाइड हों, आपके पावर एनिमल हों, वो आपसे तभी बात कर पाएंगे जब आप अपने अंदर की एनर्जीज को बढ़ाएंगे। जस्ट सेम ही कार्ड है ना, दोनों में एक ही बात कही जा रही है। तो अपने अंदर की एनर्जीज को आगे बढ़ाना है, पुरानी जो बातें हैं उन चीजों को छोड़ देना है, पुरानी जो दर्द देने वाली चीजें हैं उन चीजों को भी छोड़ देना है, क्योंकि अपनी रियल सेल्फ के साथ में आपको जुड़ना है।
यहाँ पर ये कार्ड है कंट्रोल का, तो चीजों को कंट्रोल नहीं कीजिए, ना ही किसी से कंट्रोल होइए। जब हम सिचुएशंस को या लोगों को कंट्रोल करना चाहते हैं या अपने इमोशंस को कंट्रोल करना चाहते हैं, तब हमारे साथ ये दिक्कत होती है। आपके लिए ये कार्ड है किंग ऑफ सोर्ड्स का, तो आपको अपनी लाइफ को लेकर थोड़ी सी प्रैक्टिकल अप्रोच जरूर करनी चाहिए, क्योंकि अगर आपकी लाइफ का कंट्रोल आपके हाथ में नहीं है तो फिर आपके लिए चीजें बेहतर नहीं है। आपको अपने लिए लाइफ में चीजें बेहतर बनानी है, और वो आप तभी बना सकते हैं जब आप अपने ऑरिक फील्ड से लोगों को बाहर जाने देंगे, सोच से, अपनी आत्मा से, अपने दिल से, अपनी अपने जो भी इमोशंस हैं उनसे अपने आप को फ्री करेंगे। तो अगर आप फ्री नहीं कर रहे हैं तो आपके आसपास की जो एनर्जीज हैं वो आपको ड्रेन करती रहेंगी, आपको एक नेगेटिविटी में रखेंगी, और आप हमेशा 9 की एनर्जीज में रहेंगे, 10 की एनर्जीज में नहीं जा पाएंगे। वो इसलिए ही नहीं जा पाएंगे क्योंकि आप चीज़ों को खुद भी खत्म नहीं होने देंगे अगर आप माफ करने के लिए ओपन नहीं होंगे। तो वैसे आप कर रहे हैं, आप कोशिश तो कर रहे हैं, लेकिन थोड़ी सी कोशिश की जरूरत और है। तो यहाँ पे एक कार्ड और लेंगे आपके लिए, तो यहाँ पर आपकी एनर्जीज के लिए क्या गाइडेंस आती है। और आपके लिए कार्ड है फेरीज का, यू हैव अ स्ट्रॉन्ग बॉन्ड विद द फेरीज एंड योर लाइफ पर्पस इन्वॉल्व्स हेल्पिंग मदर नेचर। तो आपका, जैसे कि मैंने कहा, यहाँ पे भी कार्ड है आपके लिए अर्थ एंजल का, अपनी पावर को क्लेम करना और अपनी पावर को क्लेम करके काम करना जरूरी है। आप मदर नेचर के लिए बहुत कुछ कर सकते हैं, आप पेड़ पौधे उगा सकते हैं, आप पर्यावरण को साफ रखने में मदद कर सकते हैं, आप जानवरों की देखभाल कर सकते हैं, आप बूढ़े बुजुर्गों की देखभाल कर सकते हैं, आप दुनिया को खूबसूरत बनाने में मदद कर सकते हैं। अगर आप मदर नेचर के लिए काम करना चाहते हैं तो मदर अर्थ ने तो हम सब लोगों को संभाल रखा है, तो इस दुनिया में जितने लोग हैं आप एक अर्थ एंजल हैं, आप उनका दर्द भी कम कर सकते हैं। तो आप जो भी इस दुनिया को खूबसूरत बनाने के लिए अपना योगदान दे सकते हैं वो आपको यहाँ पे देना चाहिए, लेकिन वो आप तभी दे पाएंगे जब आप अपने अंदर अपनी ही शक्तियों के साथ में एकत्र होंगे, इकट्ठे होंगे और उनको अलाइनमेंट में रख रहे होंगे। सही मायनों में सही कहूँ तो मैं, बहुत ही खूबसूरत एनर्जीज हैं आपकी। शील्ड योर सेल्फ का यहाँ पर मैसेज है, प्रोटेक्ट योर सेल्फ फ्रॉम हार्श ऑफ फियर बेस्ड एनर्जीज बाय इनविजिंग अ कोकोन ऑफ हीलिंग लाइट सराउंडिंग यू। ये कार्ड भी ऑप्शन 1 में आया है अगर आप सुनना चाहते हैं तो अपने आप को प्रोटेक्ट करके चलेंगे, अपने आप को ऐसी एनर्जी से दूर रखेंगे तो आपकी लाइफ का जो कंट्रोल होगा आपके अपने आप ही हाथ में आ जाएगा। तो कोई भी इस तरह की बातें अपने बारे में, अपनी एनर्जीज के बारे में, अपनी सोच के बारे में, लाइफ के बारे में नहीं कहिए जो कि नेगेटिव हों, और भी चीजें आपको एडिक्शन देती हों उन चीजों से थोड़ा सा दूर हो जाइए ताकि आपकी लाइफ में एक जो बैलेंस है क्रिएट हो सके। तो होप कि मैसेजेस आपके काम में आए, आपकी मदद करें। वीडियो पसंद आया हो तो लाइक जरूर कीजिएगा, कमेंट बॉक्स में जरूर बताइएगा ये रीडिंग आपके लिए कैसी रही। थैंक यू सो वेरी मच, गॉड ब्लेस यू। वेलकम ऑप्शन 3, आपका बहुत बहुत स्वागत है आपकी रीडिंग। तो आपने यहाँ पे ऑप्शन चुना है ब्लैक टॉर्मेलिन पेंडेंट का, तो देखते हैं कि आपके लिए क्या मैसेज है। तो यहाँ पर योगिक पाथ ओरेकल डेक से एक एक कार्ड मैंने सबके लिए लिया है। तो आपके लिए जो कार्ड आया है, ये कार्ड आया है तेजस का। ये कार्ड बात करता है अपनी इंटेलिजेंस का और अपनी जो करेज होता है उसका यूज करने की। बाकी डिटेल देखते हैं, पहले बार आपके अगर कार्ड ले लेते हैं ऑप्शन 3 के लिए, किस तरह की एनर्जीज है, क्या मैसेजेस है उनके लिए। आपके लिए यहाँ पे कार्ड है रिलीज का, तो ऑप्शन 3 की एनर्जीज किस तरह की है। यहाँ पे आपके लिए कार्ड है हील अवे एडिक्शन का। ओके, ये कार्ड दोनों पाइल में भी आया है और अब आपके पाइल में भी आ गया है, बस पहले यहाँ पे आया था दोनों पाइल्स में, आपके में यहाँ आया है। तो ऑप्शन 3 की एनर्जीज किस तरह की रहने वाली है, ऑप्शन 3 की एनर्जीज किस तरह की है यहाँ पे। खूबसूरती से आपका कुछ ना कुछ लेना देना जरूर है, या फिर आप खुद को बहुत खूबसूरत तरीके से कैरी करते हैं, या फिर आप बहुत खूबसूरत हैं, या फिर आपके अंदर जो खूबसूरती है उसको आप दुनिया को शायद पूरी तरह से दिखा नहीं पाते, आप दिखाना तो चाहते हैं, या फिर लोग आपको इतने अच्छे नहीं मिलते जो कि आपकी खूबसूरती को पहचान सकें, लेकिन कुछ ना कुछ तो ऐसा है जो कि बहुत खूबसूरत है यहाँ पे। तो आप शत्री की एनर्जीज किस तरह की है यहाँ पे। ये चक्र का मैसेज है, ये आपके लिए जब ये रीडिंग करने वाली थी ना, इस वाले कार्ड का विजन लगातार आता जा रहा था, ये कार्ड आ ही गया। तो ऑप्शन 3 की एनर्जीज किस तरह की है यहाँ पे, इंडिगो का मैसेज है। ओके, ऑप्शन 3 की एनर्जीज किस तरह की है यहाँ पे, ऑप्शन 3 की एसेंडेंट मास्टर्स का कार्ड है, बहुत ही खूबसूरत, बहुत खूबसूरत। यहाँ पर कार्ड है आपके लिए गॉडेस का, तो खूबसूरती से तो
कोई ना कोई नाता आपका जरूर है, ये मैंने आपको पहले ही कहा था। तो गॉडेस का यहाँ पे कार्ड अपीयर है, तो डेफिनेटली आपकी जो डिवाइन फेमिनाइन साइड है वो बहुत ही खूबसूरत है। मेरे लिए सभी जो सोल्स हैं बहुत खूबसूरत हैं, चाहे मैंने किसी को देखा हो या ना देखा हो, क्योंकि आत्मा तो हर एक के अंदर एक जैसी ही है, बहुत खूबसूरत होती है। तो दुनिया की जो कुछ पढ़ते हैं वो इंसान के ऊपर आ जाती हैं, बाकी तो सब कुछ बहुत ही खूबसूरत होता है। तेजस का कार्ड है यहाँ पर आपके लिए। ये कार्ड आपकी इंटेलिजेंस और करेज की बात करता है, और ये कार्ड कहता है कि आपके अंदर वो एनर्जीज हैं जो कि लोग तरसते हैं जिस एनर्जी को पाने के लिए या अपने आप को अलाइनमेंट में ले जाने के लिए। और साथ ही साथ ये कार्ड कहता है कि बहुत सारा आप काम कर चुके हैं, लेकिन हमेशा अपने लिए आपको एक लड़ाई लड़ना, हमेशा अपने लिए एक जंग लड़ना या अपने लिए ही आपको स्टैंड लेना जरूरी नहीं है। आपको कभी कभी कुछ बैटल्स को लेट गो करना होता है और उनको आपको छोड़ देना चाहिए। आप लगातार किसी न किसी चीज में लड़ाई लड़ते रहते हैं, आप लगातार अपने आप को सही प्रूव करते हैं, यानी कि आपको अगर कोई कुछ कहता है तो आप हर उस बात को अपने दिल के ऊपर लेकर आप चीजों को सही करते हैं या करने की कोशिश करते हैं या आप सही चीजें बताने की कोशिश करते हैं। आपकी एनर्जी फील्ड के अंदर बहुत सारी जो एनर्जीज हैं टॉक्सिक हैं और आपको उसको पूरी तरह से रिलीज कर देना चाहिए। देखिए, कई बार हमको ना ये चीजें समझ नहीं आती, हमें लगता है कि हम अपने पे बहुत सारा काम करते हैं, हम अपनी एनर्जीज को बहुत प्रोटेक्ट करके रखते हैं, हम तो बहुत ज्यादा स्पिरिचुअल हैं, हम ये करते हैं, हम वो करते हैं। देखिए कितना, मैंने पहले भी कहा है, मैं आज भी कहती हूँ और मैं अपनी बात पे कायम हूँ, कोई कितना बड़े से बड़ा स्पिरिचुअल पर्सन हो, उसका भी टाइम पीरियड कभी कभी ऐसा होता है जब उसको भी चीजें समझ में नहीं आती, जब उसके लिए भी लाइफ थोड़ी अप एंड डाउन वाले होती है, उसकी लाइफ में भी रोलर कोस्टर राइड जो है वो होती है। तो ये एक नॉर्मल चीज है, ये एक नॉर्मल बात है। अगर आप बहुत ज्यादा हाईली स्पिरिचुअल पर्सन भी हैं तो भी यहाँ पर आपके ऑरिक फील्ड के अंदर, आपके एनर्जीज के अंदर आपके सामने ही रखा है कार्ड रिलीज का, कौन सी चीज है जो आपको रिलीज करने की जरूरत है। मैं जो यहाँ पे वाइब्रेशन महसूस कर पा रही हूँ वो मुझे बता रही है कि कहीं ना कहीं आपके ऑरा के अंदर टॉक्सिक एनर्जीज बहुत ज्यादा इन्वॉल्व हैं, टॉक्सिक एनर्जीज बहुत ज्यादा आपके ऑरा में फंसी हुई हैं। आपके ऑरा के अंदर कहीं ना कहीं ऐसी चीजें हैं जो कि आपको, जैसे होता है ना कि कभी इसने ताना मारा या कभी उसने ताना मारा, कभी इसने आपकी बात की, कभी उसने आपकी बात की, आप चर्चा का विषय हैं लोगों के बीच में, लोग आपके बारे में चर्चाएं करते हैं। आपकी खूबसूरती की तारीफ तो होती होगी, आपकी आवाज भी बहुत खूबसूरत हो सकती है, लेकिन यहाँ पे आप चर्चा का विषय हैं, आपकी हर बात पे सवाल उठाया जाता है, आपकी हर बात के ऊपर आपको जवाब देना पड़ता है, या हर बात में आपको लाइफ में सफाई देनी पड़ी है। अगर कुछ ना कुछ ऐसा है आपके साथ में तो डेफिनेटली ये पायल आपका ही है। वर्क विद आर्चेंजल माइकल टू लेट गो ऑफ व्हाट नो लॉन्गर सर्व्स यू और योर पर्पस। तो आपकी लाइफ में ये चीजें सर्व नहीं करती हैं, इसलिए सबसे पहली चीज आपको उन चीजों को रिलीज करना होगा। कभी कभी हम जानबूझकर ऐसा नहीं करते हैं कि आपने टॉक्सिक एनर्जी रखी हुई है। जब आप लोगों के बारे में बात करते हैं या लोग आपके बारे में बात करते हैं या फिर आप लोगों को बहुत ज्यादा एनर्जी देते हैं, बहुत ज्यादा ओपन है उनके लिए, और वही चीजें आपको हिट करती हैं, तो अगेन जैसे कि मैंने आपको पहले भी कहा है, हर एक के लिए रीडिंग करना, हर एक के लिए हीलिंग करना अच्छी बात नहीं है, क्योंकि अगर हम कहीं भी ग्राउंडेड नहीं है, अगर हम प्रोटेक्टेड नहीं है, अगर हमने अपने चारों तरफ अपनी जो बाउंड्रीज है मजबूत नहीं रख रखी है, किसी कारण से वो वीक हो जाती है, तो वही चीजें फिर हमको हिट करती है। अगर आपको किसी के लिए कोई हीलिंग करनी है तो आपके लिए सबसे अच्छा काम है आप उसके लिए प्रेयर कीजिए, अपनी बाउंड्रीज को इतना वीक नहीं कीजिए कि आप इंटेंशनली और अनइंटेंशनली दोनों ही तरीके से हीलिंग कर रहे हैं। जब आप इंटेंशनली करते हैं तो आपको पता होता है कि आप एक प्रोसेस से कर रहे हैं, लेकिन जब आप अनइंटेंशनली करते हैं तो आपको कुछ भी नहीं पता होता है, आप अपने साथ साथ दूसरे का नुकसान भी करते हैं, क्योंकि उससे ना तो आप सही तरीके से अपनी एनर्जीज को चैनलाइज कर पाते हैं और ना ही आप सही तरीके से दूसरे तक अपनी एनर्जीज को पहुंचा पाते हैं। तो आप हीलिंग करें या फिर आप ना करें, वो वेस्ट ही होती है। तो यहाँ पर कभी कभी आपकी, और अगर आप इस तरह की हीलिंग करने में सफल हो जाते हैं ना, तो यकीन मानिए आप ड्रेन होते हैं, आपकी ऑरा जो है आपका ऑरा ओपन होता है और आप ड्रेन होते हैं और आपकी एनर्जीज कहीं ना कहीं वेस्ट होती है। तो सबसे अच्छा काम है जब भी आपको ये लगे, आप आर्चेंजल राफेल से प्रेयर कीजिए कि वो उस पर्सन की हीलिंग करे, और आप उसके लिए प्रेयर्स कीजिए। आपकी प्रेयर्स लगेंगी और प्रेयर्स से बड़ी कोई भी हीलिंग नहीं होती है, यकीन मानिए कोई भी हीलिंग नहीं होती है। कोई ऐसे केसेस हैं जिनमें आप अपने आप को मजबूत रख सकते हैं, अपने आप को प्रोटेक्ट रख सकते हैं, तब आपको वो हीलिंग करनी चाहिए, लेकिन अगर आप वीक हैं, आप परेशान हैं और आप अनइंटेंशनली किसी की हीलिंग कर रहे हैं, तो कहीं ना कहीं आप कनेक्ट होते हैं, उसकी जो इमोशंस हैं, उसकी बातें हैं या उसकी कहानी है आपकी लाइफ को हिट करने लगती है। तो कुछ ऐसी ही चीजों को रिलीज करने की जरूरत है। अगर आप बहुत ज्यादा लोगों में चर्चा का विषय है या फिर आप अनइंटेंशनली लोगों की हीलिंग कर देते हैं, तो कहीं ना कहीं आपको अपने जो बाउंड्रीज हैं उनको देखने की जरूरत है और अपने ऑरा को क्लीन करने की जरूरत है।
हील अवे एडिक्शन का यहाँ पर मैसेज है, इट्स टाइम टू लेट गो ऑफ बिहेवियर्स दैट आर ब्लॉकिंग यू फ्रॉम योर हार्ट डिजायर, आस्क आर्चेंजल राफेल फॉर हेल्प यू विद दिस हीलिंग। तो आर्चेंजल माइकल, आर्चेंजल राफेल दोनों ही आपकी रीडिंग में अपीयर हैं, साथ साथ असेंडेंट मास्टर्स भी हैं। आपको यहाँ पे प्रोटेक्शन मिलता है, आपको गाइडेंस भी मिलती है, और असेंडेंट मास्टर्स यहाँ पर आपको लगातार कोई ना कोई गाइडेंस देते हैं। किसी न किसी गॉडेस के संपर्क में भी हैं आप, यानी कि गॉडेस एनर्जी भी आपको यहाँ पे ब्लेस करती है। माँ दुर्गा, माँ काली, माँ लक्ष्मी हो सकती हैं, या कोई अदर ऐसी देवी हो सकती हैं, गॉडेस हो सकती हैं जिनके साथ आप जुड़े हुए हों या जिनकी ब्लेसिंग्स आप हमेशा मांगते हों। कोई भी देवी हो सकती हैं, देवी का कोई सा भी स्वरूप हो सकता है, यानी कि गॉडेस एनर्जी किसी भी रूप में हो सकती है। तो आपको ऐसी चीज़ों को लेट गो करना है जो कि आपको इफेक्ट कर रही हैं और फिर वो आपके लिए एक एडिक्शन का कारण बन गई हैं। तो कौन सी ऐसी जगहें हैं जहां पर आप अपनी एनर्जीज को टोटली रिलीज कर रहे हैं, और ये रिलीज करना आपके लिए हेल्दी वे में नहीं है, ये आपके लिए अनहेल्दी वे में है। तो अगर आप अपनी एनर्जीज को ड्रेन होने दे रहे हैं, बहने दे रहे हैं, तो वो चीज़ें आपको प्रॉब्लम करेंगी। अगर आप उसको रोक देंगे, अगर आप अपने ऐसे कुछ बिहेवियर से पीछे हट जाएंगे, तो आपकी एनर्जीज कहीं ना कहीं अलाइनमेंट में जरूर जाएंगी। सेंसिटिविटी आपकी भी हाई हो सकती है ऑप्शन वन और ऑप्शन टू की तरह, क्योंकि इंडिगो का यहाँ पर मैसेज है, द पर्सन यू आर इंक्वायरिंग अबाउट इज एन इंडिगो मीनिंग अ हाईली सेंसिटिव नेचुरल बोन लीडर। तो ये एबिलिटीज, जो भी आपकी साइकिक एबिलिटीज कह लीजिए, स्पिरिचुअल एबिलिटीज कह लीजिए, या आपका अच्छा दिल कह लीजिए, ये आपके पास में बाई बर्थ है और पिछले जन्मों से है। तो इसमें आप कुछ नहीं कर सकते, आप सिर्फ अपनी बाउंड्रीज को मजबूत कर सकते हैं ताकि बाहर की जो चीजें हैं आपको इफेक्ट ना करें। आपके लिए जो नेक्स्ट कार्ड है, ये कार्ड है ट्विन फ्लेम एनर्जी का। द आंसर टू योर क्वेश्चन इन्वॉल्व्स अ स्पिरिचुअली बेस्ड रोमांटिक रिलेशनशिप। तो आपको कुछ चीजों को रिलीज इसलिए भी करने की जरूरत है क्योंकि आप एक ट्विन फ्लेम जर्नी का या तो पार्ट हो सकते हैं या आने वाले समय में आप बन सकते हैं। तो जब तक आप अपनी एनर्जीज को क्लीन नहीं करते हैं, चीजों को रिलीज नहीं करते हैं, तो फिर आप ट्विन फ्लेम जर्नी में नहीं जा सकते। ट्विन फ्लेम जर्नी में अगर आप चले जाते हैं ना, और आपका पार्टनर या आप अपने ऊपर काम नहीं करते हैं, तो वो एक रनर चेजर वाली एनर्जी हो जाती है, यानी कि एक भागता रहता है और एक उसका पीछा करता रहता है, और जन्मों जन्मों तक यही चलता रहता है जब तक कि आप दोनों अपने आप पर काम नहीं कर लेते, स्पिरिचुअली अपने आप को अलाइन नहीं कर लेते। तो इसलिए स्पिरिचुअली काम करना जरूरी है। अगर आप ट्विन फ्लेम जर्नी की बात करते हैं, तो आपके लिए जरूरी ही है कि आपको स्पिरिचुअली अपने आप पर काम करना ही होगा, क्योंकि इसके बिना आप आगे नहीं बढ़ सकते ट्विन फ्लेम जर्नी के अंदर, या फिर आप ट्विन फ्लेम जर्नी की उम्मीद नहीं कीजिए, क्योंकि इससे फिर आपको ही तकलीफ होगी। आप किसी ऐसी ट्विन फ्लेम जर्नी में हो सकते हैं जिसको लेकर एसेंडेंट मास्टर्स भी अवेयर हैं, यहाँ पे आपको गाइड कर रहे हैं, आपको समझाने की कोशिश कर रहे हैं और आपको प्रोटेक्ट भी कर रहे हैं। ये आप में से कुछ लोगों का लास्ट बर्थ हो सकता है, जो कि कहीं ना कहीं अगर ये बातें आपके साथ रेजोनेट करती हैं, तो आप में से कई लोगों का ये लास्ट बर्थ हो सकता है। सबका नहीं होगा, लेकिन जिन लोगों के साथ ये अब तक की जो बातें हैं वो रेजोनेट करी हैं, तो यहाँ पर असेंडेंट मास्टर्स भी आपको गाइड करते हैं आपकी एनर्जीज को, खास तौर से क्योंकि ये स्पिरिचुअल एनर्जी, क्योंकि ये स्पिरिचुअल जर्नी होती है ट्विन फ्लेम की, इसलिए यहाँ पर आपको असेंडेंट मास्टर्स भी गाइड भी कर रहे हैं और आपको प्रोटेक्ट भी कर रहे हैं। यहाँ पर आपके लिए कार्ड है ईयर चक्र का, नोटिस मैसेजेस दैट अपीयर एज साउंड म्यूजिक एंड वर्ड्स फ्रॉम बोथ एक्सटर्नल सोर्सेज एंड विद इन योर माइंड, दीज मैसेजेस आर रियल आंसर टू योर प्रेयर्स। तो आपको जो भी मैसेजेस मिल रहे हैं, ये जरूरी है आपके लिए कि आप उनको सुने, उनको चैनलाइज करें और उनको आप देखें कि लाइफ में किस तरह से इम्प्लीमेंट कर सकते हैं। साथ ही साथ आपको ना अपनी इंट्यूशन पे भरोसा करना चाहिए। आपको जो बाहर से लोग कह रहे हैं, यानी कि जिन लोगों पे आप ट्रस्ट नहीं करते हैं, अगर उनकी बातों को आप सुनते हैं और उनकी बातों को सुनकर आप अपने ऑरा में स्ट्रक कर लेते हैं, तो आपको दिक्कत होगी। लेकिन अगर आप उस तरह की बातें सुन रहे हैं जो कि आपकी प्रेयर से रिलेटेड हैं, या फिर आप कोई साइन मांग रहे हैं और आपको वो मिल रहे हैं, तो यहाँ पर वो चीजें आपकी हेल्प करेंगी। यहाँ पर इंडिगो का मैसेज भी आपसे यही कहता है कि आपके लिए जरूरी इसलिए भी है अपने आप को प्रोटेक्ट करना, उन चीजों को रिलीज करना, क्योंकि आप सेंसिटिव हैं एनर्जी के लिए, और आपके लिए जरूरी है कि आप अपने कानों को खुला रखें और अपने अंतर मन की आप सुनते रहें। ये आपके अंदर के कान भी हैं, यानी कि आपके इंट्यूशंस भी हैं, और ये आपके बाहर के कान भी हैं। एसेंडेंट मास्टर्स की यहाँ पे बात हो रही है, तो डेफिनेटली बहुत ही प्यारे और खूबसूरत हमारे एसेंडेंट मास्टर्स यहाँ पे अपीयर हैं, तो आप इनमें से किसी के साथ भी कनेक्टेड हो सकते हैं, या आपके लिए कोई अदर एसेंडेंट मास्टर भी हो सकते हैं जो कि आपको यहाँ प्रोटेक्ट कर रहे हैं, आपको गाइड कर रहे हैं। यहाँ पर आपके लिए ऑलरेडी बॉटम ऑफ द डेक गॉडेस का कार्ड है, और यहाँ पे कुछ कार्ड हम ले लेते हैं और जैन टैरो से, क्योंकि एनर्जीज की बात हो रही है, तो एनर्जीज लेवल को ही हम चेक कर रहे हैं किस तरह की हैं और उनमें हम क्या कर सकते हैं। तो यहाँ पर ऑप्शन 3 की एनर्जीज लेवल के लिए क्या मैसेजेस आ रहे हैं आपके लिए।
कार्ड है इनर वॉइस का। अगेन जैसे कि मैंने आपसे कहा कि अंतर मन की आवाज को सुनना जरूरी है। ट्रेडिशनल टैरो में आप में से वैसे बहुत लोगों को पता होगा, है ना, ये कार्ड जो है ये है आपके लिए हाई प्रिस्टेस का। तो अपने अंतर मन की आवाज को सुनना जरूरी है। आपके लिए मून साइकिल्स बहुत इंपॉर्टेंट रहेंगे, फुल मून हो या न्यू मून हो, कि किस तरह से वो इफेक्ट हो रही है या वो होने का। कुछ भी ऐसा होता है तो कोशिश कीजिएगा अपने आप को थोड़ा सा अलाइन करके मेडिटेशन करने की, और पानी ठीक से पीजिएगा। यहाँ पर आपके लिए कार्ड है अवेयरनेस का, बहुत ही खूबसूरत कार्ड है ये। और ये कार्ड कहता है कि आपको अपनी इनर स्ट्रेंथ पर जरूर फोकस करना चाहिए, अवेयर रहना चाहिए आपको इस बात से कि आपके अंदर से ही सारी ऊर्जा जो है आप उत्पन्न कर सकते हैं। यहाँ पर भी लॉर्ड शिवा की आप अपीयरेंस देख सकते हैं इस कार्ड के अंदर, बहुत ही खूबसूरत तरीके से। ये अवेयरनेस, ये शिव तत्व आपके अंदर तब आता है जब आप कहीं ना कहीं किसी स्पिरिचुअल जर्नी में होते हैं। और यहाँ पर ऑलरेडी ट्विन फ्लेम का कार्ड है, और यहाँ पर आपके लिए कार्ड है गॉडेस का। तो इसका आपको एक सीधा संकेत ये भी है कि जो भगवान शिव है, माँ पार्वती है, वो भी एक ट्विन फ्लेम है। और यहाँ पे लॉर्ड शिवा ने अपीयर होके और यहाँ पे गॉडेस के कार्ड ने अपीयर होके ये बताया है कि आप डेफिनेटली एक ट्विन फ्लेम की जर्नी में हैं, इसलिए भी आपको यहाँ पर प्रोटेक्ट करने की कोशिश की जा रही है, या फिर आपको समझाया जा रहा है कि चीजों को क्यों रिलीज करना जरूरी है। आपके अंतर मन से ही आएंगी सारी बातें, आपको जो मैसेजेस मिलेंगे ना आपकी इंट्यूशन से ही आपको मिलने वाले हैं। और वैसे इस कार्ड के नीचे भी, गॉडेस कार्ड के नीचे भी जो यहाँ पे ये वाला कार्ड है ना, ये कार्ड है लिसन टू योर इंट्यूटिव फीलिंग्स, योर बॉडी इज रिसीविंग एक्यूरेट मैसेजेस फ्रॉम द डिवाइन। तो आपकी जो बॉडी है वो आपको बताती है जो भी आप महसूस करते हैं। अब ये महसूस करना कैसे होता है, जैसे आप सर्दी गर्मी के मौसम में महसूस करते हैं, आपको ठंड लगती है, आपको गर्मी लगती है, आपको पसीना आता है, इसी तरह से ये एक वाइब्रेशंस होती हैं। जब आपके आसपास जिस तरह की वाइब्रेशंस होती हैं, कोई सच बोल रहा है, झूठ बोल रहा है, अच्छा बोल रहा है, गलत बोल रहा है, आपको वाइब्रेशन से पता चल जाता है और आपकी बॉडी आपको बता देती है। टेम्परेचर चेंज जब होता है तो आपको समझ में आ जाता है कि सामने वाला क्या बोल रहा है, या फिर आप जो महसूस कर रहे हैं वो किस तरह का महसूस कर रहे हैं। और अगर आप नहीं कर पाए हैं आज तक, या नहीं कर पाते हैं आज तक, तो आप कर पाएंगे जब आप अपनी इनर वॉइस को सुनेंगे, जब आप अपने कानों को खुला रखेंगे, चाहे वो आपके अंतर्मन के कान हो, चाहे वो आपके बाहर के कान हो। देखिए वैसे मेरा स्पिरिचुअल चैनल, मेरा चैनल स्पिरिचुअल ग्रोथ के लिए ही है आपकी, तो मेरी कोशिश यही रहती है कि आपकी स्पिरिचुअलिटी में जो आपको हेल्प मिले वो मैसेजेस मैं आप तक जरूर पहुंचाऊं। आपके लिए यहाँ पे कार्ड है साइलेंस का, ये मून का ही कार्ड है। जैसे कि मैंने आपसे कहा मून साइकिल आपको इफेक्ट करते रहेंगे, तो आपको साइलेंस में जाना जरूरी है। अब ये आपके सामने ही सारे कार्ड है ना, ये कार्ड तो चलो मैंने पहले लिया था, लेकिन आपका जो पाइल का वीडियो स्टार्ट करने से पहले ही जस्ट निकाला है। ये कार्ड भी अगेन आपसे मेडिटेशन की बात करता है, ये कार्ड भी इनर वॉइस को सुनने की बात करता है, ये कार्ड भी अवेयरनेस की बात करता है, ये कार्ड भी साइलेंस की बात करता है, ये कार्ड भी एयर चक्र की बात करता है। और यहाँ पर भी जो कार्ड मैंने आपको दिखाया है, ये कार्ड भी आपको कहता है लिसन टू योर इंट्यूटिव फीलिंग्स। तो आपके ही अंदर हैं सारी बातें जिनको आपको सुनना है। क्यों सुनना है? क्योंकि ये जो एग्जिस्टेंस है आपकी, ये जो आप क्रिएशन के अंदर मौजूद हैं, आपका अपना कोई व्यक्तित्व है, आपकी अपनी कोई पहचान है, और आपको उस तक पहुंचना है, उसको पाना है, क्योंकि बहुत सारा काम आप कई जन्मों से करते हुए आ रहे हैं। तो ये बात उनके लिए है जिनको ये लगता है कि उनका ये आखिरी बर्थ है, इसलिए भी आपकी स्पिरिचुअल जर्नी को यहाँ पर प्रोटेक्ट करने की कोशिश की जा रही है और आपको समझाया जा रहा है। वैसे आपने अपनी जितने भी जिन लोगों ने भी ऑप्शन, जो लोग भी ऑप्शन 3 चुनेंगे ना, आपने अपनी सारी जर्नी तकरीबन कंप्लीट कर ली है, चाहे वो आपके सोल लेसन्स हों, आपके एक्सपीरियंसेस हों, आपकी ग्रोथ के लिए आपको जो करना है, आपने बहुत कुछ झेला है अपनी लाइफ में। और अगर आपने नहीं झेला है तो डेफिनेटली ये पाइल आपके लिए नहीं है। ये पाइल उन लोगों के लिए है जिन लोगों ने अपने आप पर बहुत सारा काम किया है, जिन लोगों ने स्पिरिचुअली अपने आप को बहुत ज़्यादा अवेक किया है और अभी भी लगातार काम कर रहे हैं, और उनको किसी न किसी ट्विन फ्लेम का हिस्सा बनना है। तो डेफिनेटली आपके लिए बहुत सारे जो असिस्टेंट मास्टर्स हैं आपको गाइड कर रहे हैं, आपको प्रोटेक्ट कर रहे हैं, इसलिए आपको भी थोड़ा सा इस तरफ ध्यान जरूर देना चाहिए। तो एक फाइनल कार्ड लेंगे आपके लिए कि क्या मैसेज आ रहे हैं आपके लिए। आपके लिए कार्ड है हैव यू आस्क्ड योर एंजल्स फॉर हेल्प यू विद दिस, योर एंजल्स वांट टू हेल्प यू विद दिस सिचुएशन, हाउएवर दे रिक्वायर योर परमिशन बिफोर दे कैन इंटरवीन इन योर फ्री विल चॉइसेस। तो अपनी फ्री विल से आपने किसी न किसी ऐसी चीज को, ऐसी सिचुएशन को, ऐसे रिश्ते को, या ऐसे किसी थॉट पैटर्न को पकड़ रखा है जो कि आपके लिए या तो एडिक्शन का कारण बन रहा है या फिर आपकी हीलिंग नहीं होने देता। तो आपको अपने एंजल से इस सारी सिचुएशन में हेल्प मांगनी चाहिए और अपनी जो ये इनर लाइट है ना, इसको बढ़ाना चाहिए ताकि आपकी जो ग्रोथ होनी है वो हो सके। जो कुछ भी बोलें आप कहें, वो सब कुछ आप पॉजिटिव बोलें और पॉजिटिव
अच्छे थॉट्स ही रखें, और जो कुछ भी आपने पास्ट में बोला है आप आर्चेंजल माइकल से प्रेयर कीजिए, अपने एंजल से प्रेयर कीजिए कि वो सारी चीजें आपकी लाइफ में से जाने देने में आपकी मदद जरूर करें। बहुत ही खूबसूरत रीडिंग रही है आपकी। जिन लोगों के साथ ये पायल रेजोनेट करेगा, बहुत मेहनत की है आपने यहाँ तक पहुँचने के लिए, कोशिश कीजिएगा कि इस मेहनत को जाया आप ना करें। आपका ये समय बहुत बहुत शुभ हो। वीडियो पसंद आया हो तो लाइक जरूर कीजिएगा, कमेंट बॉक्स में जरूर बताइएगा ये रीडिंग आपके लिए कैसी रही। थैंक यू सो वेरी मच, गॉड ब्लेस यू ऑल।